students, how are you? Today we are going to learn general knowledge standard first. So students, today we teach about the topic signs. जो topic signals होते हैं, उसमें किस तरह के signs होते हैं, उसका meaning क्या होता है, और next जो दिया है lessons parts of our body. हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अलग-अलग ऐसे parts हैं, अवयव हैं. Okay. तो जो body के parts हैं, उसे कौन से parts को क्या कहते हैं, उसका functions आज हम देखने वाले हैं. चलिए देखते हैं. तो स्टूडेंट्स जो है कि पेज नंबर 20 पे जीके के बुक पे ट्रैफिक साइन ए जो दिया है इसमें हियर आर सम ट्रैफिक साइन दैट ऑफन सी ऑन द रोड. जब हम रोड पे जाते हैं रोड सिग्नल्स लगता है तो उसमें कुछ साइन दिए हुए रहते हैं उसका मीनिंग राइट दैट दे इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ ए जोन बिलो. तो यहाँ पे जो है हमें एक हेल्प जोन दिया है उसके उसे सर्च करके कौन से साइन का क्या मीनिंग होता है ठीक है आज हमें देखेंगे. जिससे कि यहाँ पे देखिए रेड कलर में दिया है तो जो स्टूडेंट्स है इसका मीनिंग होता है स्टॉप. जब भी आप जाते हो सिग्नल पे जब रेड लाइट लगता है तब हमें रुकना चाहिए यानी स्टॉप. तो यहाँ पे आपको स्टॉप लिखना है. यहाँ पे जो है नॉलेज हब में दिया हुआ है स्कूल हेड मूव नो पार्किंग बी रेडी टू मूव सीट पे करो स्टॉप. ये क्या है हेल्प जोन दिया हुआ है यहाँ तक ठीक है. बाद में वी कैन सी रेड फ्रॉम वेरी फार. जो रेड हम बहुत दूर से देख सकते हैं इसलिए वो रेड रहता है तो हमें पता चलता है कि हमें रुकना चाहिए. रेड इज ऑल्सो यूज एज अ साइन ऑफ ए डेंजर. और रेड जो साइन होता है वो डेंजर यानी घातक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. तो स्टूडेंट्स नीचे जो जोन दिया है उसमें से देख के हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके नाम लिखना है. यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया है येलो कलर का साइन. इसका मीनिंग होता है बी रेडी टू मूव यानी कि हम अभी मूव करने के लिए क्या होना है हमें रेडी होना है टू मूव. यानी जब हम क्या करते हैं गाड़ी रेड सिग्नल लगता है तब स्टॉप करते हैं जब येलो लगता है तो हम क्या करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं यानी हम अभी आगे जाने के लिए हम रेडी होना चाहिए तब येलो कलर का साइन हमें दिखेगा. नेक्स्ट है ग्रीन ठीक है. ग्रीन का मीनिंग होता है मूव यानी आगे बढ़ो गो ठीक है. ऐसे हमें तीन लाइट्स दिखती है सिग्नल पे. ओके नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे जो है फोर्थ में दिया हुआ है यहाँ एक जो है कि लेडी बच्चों को लेके जा रहे तो इसका मीनिंग होता है स्कूल अहेड यानी आगे क्या है स्कूल है ठीक है. इसलिए जो है आप जो गाड़ी चलाते हो धीरे से चलाओ इसका मीनिंग होता है यहाँ पे आपको लिखना है स्कूल अहेड. नेक्स्ट ऐसे जो हमें साइन दिखता है इसका मीनिंग होता है यह स्पीड ब्रेकर ठीक है यानी यहाँ से हम गाड़ी स्लोली लेके जाएंगे. ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ब्रेकर और नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें साइन दिख रहा है इसका मीनिंग होता है नो पार्किंग. यहाँ पे हमें गाड़ी नहीं लगानी चाहिए कि यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए. ओके ऐसे साइन दिखेगा उस जगह पे. तो स्टूडेंट्स यही क्या है ट्रैफिक साइन है. इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है और अंडरस्टैंड कर लेना है. अब हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे 11 नंबर का लेसन दिया है पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स है जैसे लेट्स एक्सप्लोर माइन्यूटली द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फिल इन द करेक्ट लेटर टू नो यूर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो यहाँ पे हमें कुछ जो है कि ब्लॉक्स दिए हैं जिसमें लेटर नहीं है कुछ इसमें लेटर्स है तो हमें फिलअप करना है आइडेंटिफाई करना है. तो उसके लिए जो है स्टूडेंट्स बॉटम साइड में हेल काउंटर दिया हुआ है हेड नेक शोल्डर एल्बो आर्म हैंड नावल थंब रिस्ट स्टमक चेस्ट वेस्ट थाई हिप नेल काफ नी लेग एंकल हील फुट टो. तो इतने सारे हमें बॉडी के पार्ट्स के नाम दिए हुए तो स्टूडेंट्स ये पिक्चर्स हमें देखना है. ओके और ये अच्छे से आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फिलअप करना है ये वर्ड जो है कंप्लीट करना है. ओके तो फर्स्टली हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे ए एच ए आर है तो ये क्या है स्टूडेंट्स हेयर है तो हम यहाँ पे फिल करेंगे एच ए आई आर हेयर. हेयर यानी बाल होते हैं. देन ए जो यहाँ पे डायरेक्शन दिए इसे कहते हैं हेड. ओके तो ये इसका स्पेलिंग होता है एच ई ए डी हेड. ओके देन यहाँ पे हमें दिख रहा है ए क्या है आपकी नेक है ठीक है. तो यहाँ पे एन और सी के दिया है यहाँ पे हम ई लिखेंगे नेक. ओके नेक्स्ट है ए जो है इस शोल्डर का पार्ट है इसलिए इसे शोल्डर्स कहते हैं. इसका यहाँ पे नाम दिया है एस एच ब्लैंक पे से यहाँ पे यू एल डी ब्लैंक है और आर दिया है. तो यहाँ पे जो है शोल्डर कंप्लीट करना है एस एच ओ यू एल डी ई आर यहाँ पे ई चाहिए.
ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्ट है इसे कहते हैं चेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है सी एच और यहाँ पे दो जगह ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई और यहाँ पे टी, यानी सी एच ई एस टी चेस्ट, ओके। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है इसे कहते हैं स्टमक, ठीक है, पेट हमारा, एस टी ब्लैंक पे सी एम ब्लैंक पे सी एच है, तो यहाँ पे हम इसे कंप्लीट करेंगे एस टी ओ एम ए सी एच, ठीक है। स्टमक यानी पेट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यन, यहाँ पे जो है तीन ब्लैंक पेज दिए हुए हैं, यहाँ पे एन दिया है, तो देखिए इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, नावेल यानी हमारी बेबी जो होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें इसे एल्बो कहते हैं स्टूडेंट्स, ई दिया हुआ है, ब्लैंक दिया है बी ब्लैंक और डब्ल्यू, इसे हम कंप्लीट करेंगे ई एल बी ओ डब्ल्यू एल्बो। देन ये जो पार्ट है इसे कहते हैं आर्म, ठीक है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, हम इसमें आर फिलअप करेंगे एम कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हैंड कहते हैं, यहाँ पे एच दिया है, दो ब्लैंक पेज दिए है और डी दिया है, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे और एन लिखेंगे, ए हो गया हैंड, ठीक है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थम है, ठीक है, फर्स्ट जो हमारे हाथ का जो फर्स्ट फिंगर होता है उसे थम कहते हैं। टी एच इसको फिलअप करेंगे यू एम बी, यहाँ पे हेल्प काउंटर में आपको दिए हुए स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम इसे कहते हैं रिस्ट, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसे मूव कर सकते हैं हम, इसे रिस्ट कहते हैं। यहाँ पे घड़ी पहनते हैं तो उसका स्पेलिंग है डब्ल्यू आर आई एस टी रिस्ट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इसे कहते हैं स्टूडेंट्स नेल, ओके, यहाँ पे हमें दिख रहा है छोटा सा जो आगे फिंगर्स को होता है उसे नेल कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ए आई एल नेल, ठीक है, नाखून। देन यहाँ जो पार्ट है इसे हिप कहते हैं, ठीक है, कमर हमारी, यहाँ पे जो है कि हम लिखेंगे एच आई पी हिप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ये जो है इसे फिंगर्स कहते हैं एफ आई एन जी ई आर फिंगर, ओके। देन नीचे का जो पार्ट होता है उसे थाई कहते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम टी एच आई जी और एच लिखेंगे, थाई का स्पेलिंग है ये। देन ये जो पार्ट है इसे कहते हैं नी, हमारे बॉडी का जो पार्ट है उसे नी कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे के एन डबल ई नी, ओके। देन जो नी के नीचे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं काफ, ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे सी ए एल एफ काफ, ओके। बाद में जो ये पार्ट होता है उसे कहते हैं लेग, एल ई जी लेग यानी पा, ठीक है। बाद में जो है कि इसके नीचे का पार्ट इसे कहते हैं एंकल, ए एन के एल ई एंकल, ये फील करेंगे हम। लास्ट में जो होती है इसे हील कहते हैं, ठीक है, एच डबल ई एल हील। और ये जो है जिससे हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसे कहते हैं फुट, ठीक है, एफ, तो यहाँ पे हम इसका स्पेलिंग लिखेंगे एफ डबल ओ टी फुट, ठीक है, यानी पाव। देन जो है पाव के जो फिंगर्स होते हैं उसे कहते हैं टो, ठीक है। इस तरह से हमें जो है कि बॉडी के पार्ट्स जो है फिलअप करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपको ये टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है, साथ में नोटबुक में इसी तरह से डायग्राम निकालनी है, और ये जो है आपको दिए हुए बॉडी के पार्ट्स ये लिखने हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 22 पे दिया है टिक द राइट वर्ड्स, यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके टिक करना है। जैसे कि यहाँ जो है डायरेक्शन दी हुई है इसे कहते हैं माउथ, तो हम क्या करेंगे माउथ को टिक करेंगे। देन यहाँ पे जो है इसे फिंगर्स कहते हैं, यहाँ हैंड और फिंगर दो ऑप्शन दिए हैं, तो फिंगर को हम क्या करेंगे टिक करेंगे। देन यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है हेड और हेयर, तो इसे हेड कहते हैं, इसे हेयर कहते हैं, तो हेयर को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट इसे नी कहते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है यहाँ पे नी का स्पेलिंग है, टो का स्पेलिंग, इसलिए नी को टिक करेंगे। देन ये जो है इसे कहते हैं हेड, ठीक है, तो हम यहाँ पे हेड को टिक करेंगे। देन इसे जो कहते हैं शोल्डर, यहाँ पे आर्म और शोल्डर ऑप्शन दिया है, इसलिए हम शोल्डर को टिक करेंगे, ओके। देन दिया है ए आई का पार्ट दिख रहा है ना हमें, यहाँ पे हैंड और आई का ऑप्शन दिया है, आई को हम टिक करेंगे, ओके। यहाँ जो है पाव के फिंगर्स उसे कहते हैं टो, तो हम टो को क्या करेंगे टिक करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हमें दिया है हेड और हैंड, ओके, तो ये जो है इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हैंड, तो हम इसे टिक करेंगे। देन यहाँ पे जो है इस पार्ट को कहते हैं आर्म, ओके, यहाँ पे आर्म और लेग का ऑप्शन दिया है, तो आर्म को हम टिक करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए इस ईयर कहते हैं यानी कान, यहाँ पे ईयर और आई का ऑप्शन है, तो ईयर को हम टिक करेंगे। ये जो पाव है इसे कहते हैं फुट, तो हम फुट को टिक करेंगे, ओके। देन यहाँ पे जो इसे नेक कहते हैं, यहाँ पे नेक और नीक ऑप्शन दिया है, तो नेक को हम टिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट देखिए जो है कि इसे लेग कहते हैं, यहाँ पे आर्म और लेग का ऑप्शन दिया है, तो इसे लेग को टिक करेंगे। यहाँ पे जो है इसे नोज कहते हैं स्टूडेंट्स, शोल्डर और नोज का ऑप्शन दे, तो नोज को हम टिक करेंगे,
ओके सूरज, तो ए जो है टेक द राइट वर्ड्स, ए भी आपके बुक्स में ड्रॉ करने हैं, वहाँ पे भी सॉल्व करने हैं, उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं, साथ में जो है किताब में भी सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। ओके सूरज, तो आज हमने जो है कि ट्रैफिक साइंस, ओके पेज नंबर 20, देन पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी एलेसन देखा है पेज नंबर 21 और 22 पे, ये दोनों सॉल्व करके ये तीनों इसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं, साथ में जो है कि आपको नोटबुक में भी ये राइट डाउन करने हैं, ओके, और देन उसकी फोटोज भी मुझे सेंड करने हैं। नाउ आई एम स्टॉप हियर, थैंक यू।